नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है। इस मौके पर उन्हें देश और दुनिया से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। राजनीतिक दलों से लेकर सामाजिक संगठनों द्वारा उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। वह इस मौके पर भाजपा सेवा और समर्पण अभियान चल रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत विपक्षी दलों के नेता भी उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार बधाइयां दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी कई रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। वो लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं। आज वो प्रधानमंत्री के रूप में 7 साल 113 दिन पूरे कर चुके हैं और लगातार 2 बार बहुमत के साथ गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान मोदी पर अमेरिका आने की रोक लगा दी गई थी, तो 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद वो सबसे ज्यादा 7 बार अमेरिका जाने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। 24 सितंबर को 8वीं बार अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन, 71 साल के हो गए हैं। पीएम मोदी और देश भर में शुभकामनाओं का दौर लगातार जारी है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैशटैग हैप्पी बर्थडे काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के 1 साल पूरा होने पर श्रीमणि अकाली दल आज ब्लैक फ्राइडे प्रोटेस्ट मार्च का आयोजन कर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रोटेस्ट मार्च गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब से संसद भवन तक निकाला जाएगा। विरोध मार्च का नेतृत्व पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल और नेता हरसिमरत कौर बादल करेंगे। वहीं दिल्ली आ रहे अकाली दल के कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर ही रोक दिया। आपको बता दें कि गुरुवार को कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में आयोजित प्रदर्शन में भाग लेने जा रहे पार्टी कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने झाड़ोद्रा बॉर्डर पर रोक दिया है। पंजाब नंबर की सभी गाड़ियों को लौटा दिया गया। रोके जाने पर अकाली कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया, लेकिन सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों ने उनकी नहीं सुनी। कुछ देर बाद बॉर्डर से कार्यकर्ता लौट गए। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में रकाबगंज गुरुद्वारा से संसद भवन तक रोष यात्रा निकाली जानी है। पार्टी ने इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। इसी प्रदर्शन में भाग लेने के लिए कार्यकर्ता जा रहे थे। अकाली दल के बुढ़ाला हलका प्रधान निशांत सिंह ने बताया कि 300 से ज्यादा कार्यकर्ता 6 बसों 8 कारों में सवार होकर आए थे। आपको बता दें कि आज ही के दिन पिछले साल यानी कि 2020 में नया कृषि कानून पारित हुआ था, जिसको लेकर पिछले तमाम महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी शुरुआत पंजाब से हुई, तो ऐसे में श्रीमणि अकाली दल भी बीजेपी से अलग हो गया। हरसिमरत कौर बादल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और लगातार वो बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज उनका कहना है कि दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा वो जाएंगे, वहां से एक मार्च निकलेगा जो कि संसद तक जाएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि 26 जनवरी को हमने देखा था कि जब किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी तो किस तरह से वहां पर बवाल हुआ था, हंगामा हुआ था। इसके मद्देनजर कोई अप्रिय घटना ना हो, ऐसे में बैरिकेटिंग्स कर दी गई है और अकाली दल के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें वापस आने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें वहीं से ही वापस लौटा दिया गया है। बलरामपुर के थाना हरैया सदघरवा गांव क्षेत्र में एक महिला शौच के लिए बाहर गई थी, जो आघात लगाए 2 दरिंदों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। किसी तरह दरिंदों के चंगुल से बचकर महिला ने हरैया थाना जाकर दोनों दरिंदों के खिलाफ तहरीर दे दी, लेकिन थाना हरैया सदघरवा की पुलिस ने महिला को डांट कर भगा दिया। पीड़ित महिला ने थक हार कर तहरीर लिखकर बलरामपुर SP हेमंत कुटियाल के चौखट पर न्याय की गुहार लगाई और पीड़िता का मामला मीडिया के संज्ञान में आया। तत्काल आनन फानन में SP हेमंत कुटियाल, CO राधारमन सिंह के आदेश पर मुकदमा लिखा गया, लेकिन थाना हरैया SO ने 376 गैंगरेप की जगह 354 मुकदमा दर्ज कर दिया है और पीड़िता के तहरीर पर मुकदमा नहीं लिखा गया। वहीं इस मामले पर कोई अधिकारी बोलने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहा है उसको रोकने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम मामले सामने आ रहे हैं। बलरामपुर से भी ये मामला सामने आया, जहां पर महिला शौच के लिए गई थी लेकिन पहले से ही घात लगाए दरिंदों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया, लेकिन हद तब हो जाती है जब महिला पुलिस थाने जाती है रिपोर्ट लिखवाने के लिए, लेकिन उसे वहां पर डांट के भगा दिया जाता है। उसके बाद वो SP ऑफिस जाती है, वहां पर न्याय की गुहार लगाती है। मामला तो दर्ज किया गया है, लेकिन
रेप की धारा में मामला दर्ज नहीं किया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल नजर आ रहा है। तो महिला की सुनवाई नहीं हो रही है, बलरामपुर से पूरा मामला सामने आया। अगर बात की जाए योगी सरकार की, तो योगी सरकार लगातार ये दावा करती है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध 2017 से पहले थे वो अब कम हुए हैं। वहीं विपक्ष लगातार ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जब उनकी सरकार थी तब महिला सुरक्षित थी, लेकिन बीते 4.5 सालों में महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाथरस मामला है जिसका कुछ दिन पहले ही 1 साल हुआ है। सुनाने का यहाँ फिर इधर आए, जब इधर टाणी करब बैठे तब बाबा दीन और मुन्नन इधर टाणी हम दबके रहे, मुंह दाब के हमारे उठाए ले गए हमारे साथ जोर जबरदस्ती कहीं मुंह दबा ली, तब एक जने की मुंह दबाई तब फिर एक जने की, और जब हमार मुंह छोड़ी बाबा दीन और मुन्नन ओकरे बाद में हम चिल्लाने, तब गांव के लोग आए, तब दोनों जने में धमकी दीन चक्कू हाथ में लेके कि अगर हमारा नाम बताइयो कोई गए तो जान से मार डारब। ओकरे बाद में थाने गए ना फाय यार दियन, वहां से पुलिस डांट के भगाए दीन हमका। थाना हरैया के अंतर्गत एक पीड़िता के पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ दिनांक 14 सितंबर को दो व्यक्तियों के द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार के संबंध में तहरीर दी गई। पति के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना हरैया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। बाद में ऐसा संज्ञान में आया है कि पीड़िता द्वारा कुछ अन्य बातें भी बताई जा रही हैं, तो उनकी द्वारा बताई हुई बातों की जांच करा करके विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी प्रमोद पांडे मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस पूरे मामले पर? जी, मैं बताना चाहूंगा कि इस लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। जब ये थाने पे पहले गई तो इसको वहां से पुलिस, इसके द्वारा बताया गया कि पुलिस वहां से भगा दिया, और जब हम लोगों को ये फोन करके बुलाई और हम लोग वहां जब मौके पर गए तो ये सारी प्रक्रिया हम लोगों को बताने के बाद जब हम लोग एसपी महोदय से बात किए तब पुलिस विभाग में अफात अफीम मच गया, और उसके बाद मुकदमा लिखने की बात कहने लगे। पहले तो इन्होंने 354 लिख दिया, उसके बाद में अब फिर जाके एसओ साहब ने इनको 376 के लिए, यानी मामला जो है वो 376 में लिख दिया गया है। क्या आश्वासन मिला है महिला को कि उसे इंसाफ मिलेगा? जी, अब इनको बताया जा रहा है कि मेडिकल के लिए आज भेजा जा रहा है मैम। महिला के परिजनों द्वारा क्या कुछ कहा गया है? क्या एसपी से आपकी बात हो पाई है? क्या कहना है उनका इस पूरे मामले पर? उन्होंने ये कहा कि आज मेरे यहाँ पुलिस गई थी और मेडिकल के लिए मुझे भेजा जा रहा है, अगर मीडिया नहीं होती तो हम लोगों का मुकदमा नहीं लिखा जाता है। जी मैम, ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए प्रमोद। तो ये पूरा मामला बलरामपुर का है। फिलहाल यहाँ पर ये खबर सामने आ रही है कि जो मामला पहले 354 में लिखा गया था उसे 376 में लिख दिया गया है। तो महिला के साथ दो दरिंदों ने गैंग रेप किया, बलरामपुर का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक रेप की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, नाबालिगों के साथ रेप की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, और जितने भी ग्रामीण या शहरी क्षेत्र हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं जरूर कहा जा सकता है कि जो एंटी रोमियो स्क्वाड लगातार गश्त करने की बात करता है वो कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में इन दरिंदों के हौसले बुलंद हैं और ये घात लगाए बैठे थे। महिला शौच के लिए गई थी, उसके साथ गैंग रेप हुआ, उसके बाद जब वो थाने पहुंचे शिकायत दर्ज कराने के लिए तो उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, उसे डांट के भगा दिया गया। फिर वो एसपी ऑफिस पहुंची, न्याय की गुहार लगाई, उसके बाद एसपी ने आदेश दिए तो फिर मामला 354 में दर्ज कर लिया गया। दरअसल रेप की धारा 376 है, लेकिन उसके बावजूद जब लगातार ये पूरा मामला मीडिया में आया और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया तो मामले को 376 में दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल उम्मीद है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसके अलावा महिला को इंसाफ भी मिल सकेगा। तो बलरामपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई इलाके ऐसे जहां से इस तरह की खबरें सामने आती है। देखिए, कुछ मामलों में जो महिलाएं हैं या नाबालिग की मैं बात करूं तो उनके परिवार वाले इज्जत के डर से या बदनामी के डर से मामले दर्ज नहीं कराते, लेकिन जिन मामलों में
महिलाएं जाती हैं मुकदमे दर्ज कराने के लिए, वहां से उनके साथ ऐसी बदसलूकी की जाती है। वहीं बरेली में शिक्षा के एक मंदिर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। मामला कैंट के नामचीन स्कूल विशप कोनाट का है, जहां सुबह परीक्षा देने पहुंचे छात्र छात्राओं को स्कूल प्रबंधन ने परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद छात्र छात्राओं ने स्कूल प्रबंधन से बात की तो उन्होंने स्कूल की फीस जमा न होने की बात कहकर छात्रों को परीक्षा देने से रोक दिया, जिसके बाद छात्रों ने इसकी सूचना परिजनों को दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने छात्रों को परीक्षा कराने की गुहार लगाई है, तो वहीं स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों से फीस जमा कराकर छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित होने को कहा, जिसके बाद परिजनों ने काफी देर तक हंगामा किया। जब छात्रों के परीक्षा के लिए प्रवेश नहीं मिलने की बात सामने आई तो परिजनों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की है। स्कूल प्रबंधन ने छात्रों को परीक्षा की अनुमति दी है। अभिभावकों का कहना है कि कोरोना संकट में आर्थिक मार झेलने के बाद वो एक साथ पूरी फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन ऐसे में बच्चों को एग्जाम नहीं दिया जाना कहीं ना कहीं गलत साबित होता है। स्कूल प्रबंधन का ये अजीब कारनामा सामने आया है। आपको बता दें कि 2020 में कोरोना देश में आया, इसके बाद लॉकडाउन लगा, स्कूल भी बंद कर दिए गए और अब धीरे धीरे स्कूल खोले जा रहे हैं एक साल बाद, लेकिन यहाँ पर अभिभावकों का कहना है कि आर्थिक स्थिति उनकी खराब है, तो ऐसे में एक साथ वो इतना जो भारी भरकम फीस है वो जमा नहीं कर सकते, लेकिन स्कूल प्रबंधन ये समझने के लिए तैयार नहीं है, छात्रों को एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा है। वहीं गोंडा में भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव और एसटी हसन के सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि यह देश का दुर्भाग्य है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों में महापुरुषों को याद नहीं किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जमीन को राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने दान दे दिया था। वहीं उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि राजभर के सवाल पर मैं जवाब दूं ये शोभा नहीं देता। देश प्रदेश में कोई महंगाई नहीं है, सभी गरीब के घर अनाज है। आप गरीब से पूछो, अगर कहीं महंगाई है तो उस पर सरकार ध्यान दे रही है। गोंडा से पूरा मामला सामने आया है, जहां पर ये अजीबो गरीब बयान सामने आए हैं। ओम प्रकाश राजभर के सवाल पर बीजेपी सांसद भड़क गए और कहा कि उनके सवालों का मैं जवाब दूं ये मुझे शोभा नहीं देता है। महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि आप गरीबों से जाकर पूछिए, उन्हें राशन मिल रहा है, कौन कहता है कि महंगाई है, आप उनसे जाकर तो पूछिए। ऐसे तमाम जो सवाल हैं यहाँ पर निकलते हुए सामने आ रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें लगातार आसमान छू रही है, खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही है, सब्जियां अनाज सब कुछ महंगा हो रहा है, तो आखिरकार सांसद जी किस महंगाई की बात कर रहे हैं जो है ही नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग को हाईटेक और मजबूत करने के लिए पैसे को पानी की तरह बहा रहा है, लेकिन जिला स्तर पर तैनात चिकित्सा अधीक्षक और स्वास्थ्य कर्मियों की उदासीनता के चलते जिला महिला अस्पताल में कमियों का एक जखीरा खड़ा है। गोंडा का जिला अस्पताल सुबह 8 बजे से ओपीडी जहां चलने चाहिए और 5 डॉक्टरों को ओपीडी में बैठना चाहिए, लेकिन 5 में से केवल एक ही ओपीडी चलती है और ओपीडी में कार्यरत डॉक्टर्स की सूची टाइम टेबल की जो लिस्ट है वो 2 सितंबर के बाद अभी तक अपडेट नहीं की गई है। जिला महिला अस्पताल में तैनात सभी महिला डॉक्टर्स के लगभग प्राइवेट नर्सिंग होम चलते हैं, जहाँ पर आशा बहुओं की मदद से मरीजों को उनके निजी अस्पताल में भी भेजा जाता है। डिलीवरी कराने आई मरीजों को बाहर एक्सरे और अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, बाहर से दवाइयां लिख दी जाती हैं। यही नहीं, समय से कोई भी डॉक्टर मरीजों का इलाज नहीं करता, जिसके चलते जिला महिला अस्पताल में रोज भारी भीड़ देखने को मिलती है। प्रदेश में इस समय डेंगू मलेरिया के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन जिला महिला अस्पताल का स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर उदासीन है और कार्रवाई साफ सफाई की बात ना करके गैर जिम्मेदाराना बयान देते रहते हैं। गोंडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों की उदासीनता साफ तौर पर नजर आती है। करवाया मैडम, अच्छा यहाँ क्यों नहीं करवाया? बाहर निकली है। अच्छा, दवा भी बाहर से लिखा है?
अंदर दवा नहीं मिल रही है, अंदर दवा मिलती है तो काम नहीं करते, बाहर से लिखे करवाया है और कहाँ करवाया है? बाहर या अंदर? बाहर क्यों करवाया, यहाँ नहीं हुआ? ऊपर नहीं लेके गए। अच्छा, दिखाया डॉक्टर को आपने? कब से आप बैठी हैं यहाँ पे? कब से यहाँ पर बैठी हैं? कितना देर हुआ आपको? अभी सुबह आई। सुबह आई 9 बजे। देखिए ऐसा है कि ऑपरेशन का क्या इंडिकेशन था, अगर आप ये जाने, कारण जाने, तो हम बता पाएंगे कि क्या किस वजह से हुआ। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पहली चीज तो ये है कि जो मरीज आते हैं, जो रेफर्ड पेशेंट आते हैं, जैसे CHC से आ रहे हैं, PHC से आ रहे हैं, वो सब कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी होती है। क्योंकि वहाँ पे भी आप जानते हैं नॉर्मल डिलीवरी ANMs के द्वारा या जो वहाँ पे डॉक्टर पोस्टेड है उनके द्वारा हो जाती है। तो जो डिस्ट्रिक्ट में पेशेंट जनरली आते हैं, अगर वो रेफर होके आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे नॉर्मल नहीं हो पा रहा है, इसलिए उन्हें कोई ऑपरेटिव इंटरवेंशन चाहिए, इसलिए वो यहाँ आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा ऑपरेशन का रेट जो बाकी दूर दराज के सेंटर्स हैं उनसे ज़्यादा ही रहेगा। जैसे अब आप यहाँ से अगर मरीज जाता है मेडिकल कॉलेज, तो अब आप कहें मेडिकल कॉलेज में जाके आप पूछें कि वहाँ क्या ऑपरेशन का रेट है, तो वहाँ तो पूरे स्टेट भर के पेशेंट्स आते हैं। उसी तरह से जो हमारे पास जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं उनमें तो ऑपरेशन होता है। मैम, बाहर से दवाइयाँ लिखी जा रही हैं, इस पर क्या कहना है आपको? देखिए बाहर से दवाइयाँ जो लिखी, अगर आप पहले तो बात यही है कि कई बार इसमें मैं एक चीज़ बहुत साफ कर दूँ, क्योंकि हर बार पत्रकार लोग ये कहते हैं कि बाहर से दवाई क्यों लिखी जाती है। बाहर से दवाई सिर्फ तब लिखी जाती है अगर पेशेंट डिमांड करता है। तो कई मरीज आपने देखा होगा, ये जैसे हमारी एंटीनेटल्स है, एक प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। आप ये सोचें कोरोना के टाइम में हम लोग एक लिमिट में ही वितरण कर सकते हैं ना दवाइयों का। हमारे पास जो एंटीनेटल मरीज आता है उसको 30 दिन के लिए, 30 क्या पूरे 9 महीने प्लस उसके बाद भी 3 से 6 महीने उनको आयरन कैल्शियम खाना होता है। तो जो पेशेंट हमारे पास एक बार आता है, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर हमारे पास 200 मरीज आ रहे हैं तो हम 200 को एक साथ 30 गोली दे पाएंगे। इट इज़ लिटिल प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट। गोंडा के दीवानी कचहरी के पास गोंडा लखनऊ रोड पर वकीलों की तरफ से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के बाद अधिवक्ताओं और नगर कोतवाल में झड़प हो गई, जिसमें पुलिस ने 8 नामजद अधिवक्ताओं समेत अन्य लोगों के खिलाफ कई धाराओं में नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। बता दें कि अधिवक्ता ग्राम न्यायालय का विरोध सहित अन्य मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको यह भी जानकारी दे दूं कि इससे पहले वकीलों की तरफ से तहसील में दबंगई का वीडियो भी वायरल हुआ था, उसके बावजूद भी जो वकील हैं वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ अभी वायरल हो रहा है। तो अधिवक्ताओं नगर कोतवाल में झड़प का ही पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वो वीडियो है जो तेजी के साथ वायरल हुआ। पुलिसकर्मी और अधिवक्ताओं के बीच झड़प हुई, धक्का मुक्की हुई। गोंडा में बीते दिनों हुई लूट की वारदात का पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर दिया। पुलिस खुलासे में लूट की वारदात वादी ने अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी तरीके से दिखाई थी। वादी की साजिश मौजूदा प्रधान और अपने अन्य विपक्षियों को फंसाकर जेल भेजने का था। पुलिस ने इस मामले में गहनता से जांच करते हुए पाया कि वादी ने साथियों के साथ मिलकर फर्जी तरीके से पैसे की लूट की घटना को अंजाम दिया। वादी का अपने ही गाँव के अन्य 2 लोगों से जमीनी और चुनावी विवाद था, जिसके चलते अपने विपक्षियों को फंसाने के लिए वादी ने खुद को गोली मारकर 45,000 रुपए और मोटरसाइकिल लूटने की फर्जी घटना को तैयार किया। कड़ाई से की गई पूछताछ के बाद फर्जी घटना करने वाले इन आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया। वहीं पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किया गया तमंचा, कारतूस, लूटी गई मोटरसाइकिल और अभियुक्त के पास से 10,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की है। जनपद गोंडा में एक सनसनीखेज घटना का खुलासा हुआ है, जिसमें वादी स्वयं ही अभियुक्त निकला है एवं वादी एवं उसके साथियों द्वारा किए गए अपराध के लिए कंप्लेनेंट और उसके साथी को ही गिरफ्तार किया गया है। ये घटना है इस तरीके से है कि 11 सितंबर को वादी शिवनाथ जायसवाल ने यह कंप्लेन दी थी कि उसके भाई रामाशंकर को गोली मारकर पैसे लूट लिए गए हैं और इसमें नामजद मुकदमा करवाया गया था। नामजदगी में उस गांव के ही प्रधान विक्रम शंकर और पराग दत्त, इनके बारे में बताया गया था।
और इसके बाद जब इस घटना पे टीम लगाई गई एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में सर्विलांस एसओजी एवं थाना कोतवाली देहात की टीम को लगाया गया, घटना के खुलासे से ये मालूम चल के आया कि इसमें जो वादी था अपने भाइयों के साथ मिलके प्रधान को रंजिशन फंसाने के लिए इस पूरी लूट की रचना को, लूट की घटना को रचा गया था। और जो वैजनाथ जायसवाल उसके द्वारा अपने भाई रामाशंकर जायसवाल पे एक कट्टा लेके उसमें बारूद भर के वो उसके पीठ पे फायर किया गया था, जिससे कि ये प्रतीत हो कि गोली लगी है। और साथ ही साथ पीठ के ऊपरी भाग में एक खरोच बना दिया गया था जो कि उसका एग्जिट पॉइंट होगा। लेकिन हमारी टीम के द्वारा जब मौके पे छानबीन किया गया तो मौके पे कुछ बियर की कैंस मिली, उसका जब मिलान किया गया तो वो उसी दुकान से प्राप्त हुआ जहां पर जो जिसको गोली लगी थी उसका भाई काम करता था। और उसके बाद जब पूछताछ की गई तो ये पूरा घटनाक्रम मालूम चला कि मौके पे गए थे और जिस व्यक्ति को गोली लगी रामाशंकर, उसके भाई वगैरह ने वहां पे बियर पी, उसके बाद में एक कट्टे से उसके पीठ में फायर किया और ये सूचना फिर 112 पे दी कि जो प्रधान है उसने उससे गोली मारकर पैसा लूटा है। हमने ये भी चेक करवाया कि 47,000 लूटने की बात कही जा रही थी, लेकिन जिस दुकान पे ये काम करता था सेल्समैन, वहां पे उस दिन मात्र 10,000 रुपए की शाम को सेल्स बिक्री हुई थी। तो इससे हमारा और शक पैदा हुआ था। और इन सब जब कड़ियों को जोड़ा गया तो ये जितने भी लोग थे ये खुद ही वादी थे, उसके साथ ही इसमें अभियुक्त निकल के आए। फिलहाल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है एवं इस पूरी घटना को खुलासा किया गया है। इस घटना की खुलासा करने वाली पूरी टीम को 25,000 रुपए इनाम से भी पुरस्कृत किया जा रहा है। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र में 7 साल की मासूम के घर में अकेली देखकर पड़ोस के 16 साल के नाबालिग युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित बच्ची की मां लगातार 3 दिन से थाने के चक्कर काट रही है, जिसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहीं पीड़ित की मां के थाने जाने की जानकारी होने पर युवक के परिजनों ने जान से मारने की धमकी दी है। कानपुर देहात का एक पूरा मामला जहां पर एक मासूम बच्चे के साथ एक नाबालिग ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और जिसके बाद पीड़िता की जो मां है लगातार थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं जैसे ही इस बात की जानकारी युवक के परिजनों को लगी तो उसने जान से मरने की धमकी दी है। कानपुर सेंट्रल पर पुलिस ने करोड़ों के सोने के साथ संदिग्ध दिखने वाले 4 लोगों को पकड़ा। वहीं पकड़े गए अभियुक्तों से जीआरपी प्रभारी के लिए हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में अभियुक्तों ने खुद को कुरियर कंपनी का कर्मचारी बताया। वहीं अभियुक्तों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। इसी के साथ अभियुक्तों से आयकर विभाग के अधिकारी भी पूछताछ करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।